कॉमन नहीं ले सकते हैं, उल्टा है ना। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर के एक्स और वाई स्क्वायर को वाई वाई लिखते तो एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर हो जाएगा वाई एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई वाई के जगह पर कितना हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स वाई। अब इसमें ये एक्स वाई के जगह पर वाई ले लेते हैं तो वाई वाई एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर वाई एक्स की जगह पर एक्स ले लेंगे तो एक्स एक्स वाई हो जाएगा। फिर वाई एक्स की जगह पर एक्स ले लेंगे तो वाई एक्स प्लस कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स वाई की जगह पर वाई। फिर वाई एक्स बराबर कितना है, वाई एक्स बराबर है फिर एक्स प्लस एक्स वाई बराबर वाई, एक प्लस वाई आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई फर्स्ट वाला में तो कोई प्रॉपर्टी यूज हुआ नहीं तो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, बस ऐसे ही दे दिया है। क्वेश्चन हम लोग को वो सब मार्क करके रखना है जिसमें थोड़ा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, प्रॉपर्टी वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये वाला है लेटेड ए बी ए 10 into 10 मैट्रिक्स इन व्हिच ईच रो हैज एग्जैक्टली 1 एंट्री इक्वल टू 1 एंड रिमेनिंग 9 एंट्री 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। देखो तो एक तरफ आ गए 10 into 10 मैट्रिक्स है जिसमें अच्छा, 10 into 10 मैट्रिक्स है और तो वन तो हो ही जाएगा, एक वन है बाकी सब 0 0 होगा। हाँ तो नॉट पॉसिबल ना। तो डिटरमिनेंट से निकालेंगे तो वन आएगा, जीरो नहीं हो सकता है, जीरो तो इस केस में आ जाएगा जो हम बनाए। R2 की जगह पर क्या कर लेंगे R2 माइनस R1 तो एक टर्म पूरा 0, एक टर्म पूरा 0 तो क्या हो जाएगा 0 भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यूनिट मैट्रिक रहने पर यूनिट मैट्रिक का डिटरमिनेंट या तो 1 आता है या फिर -1 आता है, 10 नहीं हो सकता। इसमें है ए बी ए 3 into 3 मैट्रिक्स सच दैट इतना तो ए क्यू का वैल्यू क्या होगा, ए तो नहीं दिया हुआ है लेकिन ए में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, ए मान लो कि ए है हमारा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1 0 ये वाला लिखा हुआ है ना 1 - -1 2 - 1 ये वाला है। ए इंटू क्यू अगर हम लोग करेंगे तो ए का इधर वाला ए का ए मल्टीप्लाई होगा और क्यू के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना देगा, वही तो ए क्यू होगा हम लोग का, समझ रहे हो। ए में हम लोग को ए रो लेना होगा और क्यू में कॉलम लेना होगा तो देखो ए का रो और इसका अगर हम लोग कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2 - 1 और 0 सी वाला आ रहा है ना, इसमें आ जाएगा -2 - 4 - 2 सर एक वीडियो वाला क्वेश्चन सेंड किए थे ना। अच्छा उसी का है। हाँ उसी का है, वो प्रिंट आउट करवा लेना ओला पूरा जितना पेज है। मैथ में बस उतना ही सारा क्वेश्चन वो रट लेना है। पूरा है तो a number of different n-to-n symmetric matrix with each element being 0 or 1. Symmetric matrix बनाना है 0 और 1 की हेल्प से। 0 और 1 बोला मतलब सारा जीरो ले सकता हूं। हाँ सारा जीरो ले सकते हैं, सारा वन ले सकते हैं। और क्या क्या बनेगा चार भी बनेगा इससे ज़्यादा तो 2 × 2 का ये भी हो जाएगा ना। सिमेट्रिक थोड़ी है ये वाला, सिमेट्रिक वाला किधर है? नहीं है ना। और रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो आ तो रहा है शायद। आ तो रहा है। रो को कॉलम में कन्वर्ट करो मतलब फिर भी तो नहीं आ रहा। ट्रांसपोज इसका लेंगे तो फिर भी तो 1110 हो जाएगा। 1110 अगर इसको पहले लिखो तो 11, फिर नीचे वाला को लिखेंगे तो 10। ठीक तो है। सिमेट्रिकल मतलब उसका ट्रांसपोज ही लिखना है ना। a = a का t तभी तो सिमेट्रिक होता है। a = a का t। तो इस तरह से हम लोग 0001 भी कर सकते हैं। हो रहा है और क्या लिख सकते हैं ये वाला नहीं लिखे है ना, वो वाला भी होगा, जीरो वन वाला भी होगा। आठ हो गया तो एक ब्लॉक कितना आएगा, 2 के पावर 4 16 देगा ना। अरे 4 दे रहा है नीचे वाला, और 4 माइनस 2 गया तो 2, ये वाला 4 प्लस 2 6 वाला 3 तो डी आएगा ना। अच्छा वो n स्क्वायर प्लस n/2। इसका नंबर नहीं है क्या? क्या है इसका क्वेश्चन का नंबर है तो 4 नंबर है। ये वाला करो तो 5 नंबर। हाँ ये छोटा ही आएगी। हाँ स्मॉल आएगी। आईजी मतलब वो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है ना, आईजी का मतलब समझ रहे हो ना। अच्छा मतलब वो एक प्लेस का वैल्यू। हाँ 1 2 सब जोड़ करके लिखा हुआ है। मतलब अगर 2 × 2 मैट्रिक्स हम लोग ले लें एम एन की जगह पर, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा 1 प्लस 1 2, यहाँ पर लिखेगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, इस तरह से। तो ये हमारा 2 × 2 के लिए है। तो ऐड इसका निकाल लो, ऐड करके सब कितना आएगा 4 और 2 6 और 6 12। अब m n बराबर 2 रख करके देख लो किस किस में 12 आ रहा है। सर ऐड कैसे किया बोला कि लिखा है ना, देन द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा एआई सर एआई जे को थोड़ा दूसरी तरीके से डिफाइन किया, आई प्लस जे फॉर ऑल आई जे, आई प्लस जे फॉर ऑल आई जे ना। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ए 1 1 लिखते हैं, 1 2 2 1 2 2, यही तो आई जे है। हाँ 2 × 2 मतलब 12 आता है, और सीमा इंटरवल 2 रख के देखना पड़ेगा। भी आ रहा है ना सर, कौन सा बी आया? बी ही तो मार्क किया हुआ है। हाँ बी आया। उसके बाद एक 6 नंबर है, 6 नंबर ये बन नहीं रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम, इसका क्वेश्चन है क्या बोलते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन का वो भी होता है क्या? क्या वो भी गेट में होता है? रहता नहीं है, मतलब मिक्स कर दिया है परमुटेशन कम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। और लिखा है द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स डेट कैन बी फॉर्म विथ एलिमेंट इतना, इच मैट्रिक्स है 4 एलिमेंट। कितने तरीके से 0 1 2 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। हाँ, तो 4 एलिमेंट को पहले 4 की पावर 4 तरीके से और उसको 4 बार अरेंज कर दिया, मतलब 4 बार अरेंज कर सकते हैं। वही हमको समझ में नहीं आता है कि 4 के पावर 4 कैसे होता है। आंसर तो वही शायद लगता है दिया है। अरे इसका आंसर वाला कहीं रखा गया है, रुक जाओ हम PDF थोड़ा सा खोज लेते हैं। की पावर 4 तो सर होगा क्योंकि वो 4 मतलब क्या बोले 4 बार एडिट हो रहा है। अब 3 क्यों वो थोड़ा देखना है। इसको रहने देते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला में 7। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर गेट में पूछा है। इसमें है ABCD आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन B इन्वर्स का वैल्यू क्या होगा। ये इसकी बराबर आई हो रहा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सबसे पहले हमको B इन्वर्स चाहिए ना, तो इसको रहने देते हैं D। तो B इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होता है इधर मल्टीप्लिकेशन वाला में। जैसे देखो यहाँ पर DABEC है ना, EC है, तो इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे C इन्वर्स और E इन्वर्स से, क्योंकि इधर भी तुम जहाँ मन वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम लोग रख देंगे ना B इन्वर्स तो A और A मल्टीप्लाई नहीं होगा, A और A मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग सबसे पहले C इन्वर्स E इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा C इन्वर्स E इन्वर्स। तो अब ये बन गया DAB बराबर ये दोनों मिलकर के तो I हो जाएगा, CC इन्वर्स I हो जाएगा, फिर E और E इन्वर्स मिलके I हो जाएगा, और इधर रह जाएगा C इन्वर्स E इन्वर्स। अब B इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद राइट साइड में D इन्वर्स से करते हैं, B वाला को रहने देते हैं वैसे ही, D इन्वर्स से कर देंगे तो D इन्वर्स DAB इज इक्वल टू D इन्वर्स C इन्वर्स E इन्वर्स। तो यहाँ पर बन गया अब AB इज इक्वल टू D इन्वर्स C इन्वर्स E इन्वर्स। उसके बाद अब हाँ हम B बराबर हो जाएगा कितना A इन्वर्स D इन्वर्स। उसके बाद अब B इन्वर्स करेंगे, सबका पावर -1 करना होगा, तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा और ये जो क्रम है वो चेंज हो जाएगा, ई सी डी ए हो जाएगा। बी इन्वर्स कैसे निकलेगा? बी इन्वर्स करने के लिए बी इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स डी इन्वर्स सी इन्वर्स और ई इन्वर्स का पावर -1। तो ए तो माइनस माइनस सब प्लस होगा ये, बाकी इसका क्रम भी चेंज हो जाता है। ये एक थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, ये ठीक क्वेश्चन था। यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन वैसे ही कहीं पे भी नहीं कर सकते।8 नंबर देखो तो आई के बोला आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबके ये 1 1 हो जाएगा, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये तो इसका ऑर्डर होगा मतलब। लेकिन हम लोग लिखना कैसे है? लिखना है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर करके, मतलब 0 डायगोनल तो 0 आ गया पूरा। ये कितना आ जाएगा? -1 - 2 का स्क्वायर -3 आ गया -8 और ये -8 आ गया और ये 3 आ गया और ये -5 और ये फिर से 8 और फिर से 5। अब ए बोल रहा है कि ए इन्वर्स कितना होगा, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है इन्वर्स का? एडजॉइंट ए इन्वर्स का पहले तो वो डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। हाँ, तो पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। और देखो अगर इसको हम लोग ए एज्यूम कर लें तो ए जो है हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक है। ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे तो माइनस, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक विथ ऑड स्क्यू सिमेट्रिक विथ ऑड ऑर्डर। तो मॉड ए कितना हो जाएगा? 0। तो जब डिटरमिनेंट 0 होगा तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन है ना उसको मार्क कर लेना, वही काम आएगा। और बाकी तो भाग भरोसे बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो तुम्हारे अपना दिमाग लगाने के ऊपर है, क्योंकि उसका तो कोई रूल नहीं है। सर इसके डीआर में बना रहे तो जीरो नहीं आ रहा है, वो देख लीजिएगा जीरो नहीं आ रहा डिटरमिनेंट -3। अच्छा ना आ गया आ रहा है ना। ये देखो तो ये तो दिख नहीं रहा है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट तो निकाल लोगे। क्या पूछा? सिर्फ एडजॉइंट पूछा है। हाँ -1 -2 -2 क्या तो निकाल ही लेते हैं, निकाल लो -1 -2 -2 और क्या बोले 2 1 -2 और 2 -2 1। सर -3A ट्रांसपोज कितना आ रहा है? -3A ट्रांसपोज -3AT ये वाला तो लग रहा है, पता नहीं यहाँ माइनस साइन है कि नहीं है, देखते हैं रुको। इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, ये लग रहा है -3AT जैसा। अब यहाँ पर माइनस साइन है कि नहीं वो पता नहीं चल रहा है। ऐसे तो आ रहा है माइनस आ रहा है लेकिन ना। ठीक है 10 नंबर देखते हैं। बहुत ही हल्का दिखाई नहीं देता ये कुछ। लिखा हुआ है A = N × N सच दैट A = 3 फॉर ऑल ij, मतलब सारा में 3 3 3 है, एक मैट्रिक्स है N × N और उसका सारा का जो वैल्यू है अंदर का सब में 3 है। नलिटी क्या होगा? रैंक निकालना पड़ेगा। हाँ रैंक निकालना पड़ेगा। तो 3 3 3 3 3 हुआ तो रैंक तो हो जाएगा अपना 1। हाँ रैंक 1 हो जाएगा और नलिटी हो जाएगा N-1। रैंक 1 N अपना अगर 2 है तो नलिटी हो जाता है। नलिटी होता है जो तुम्हारा रैंक छोड़ करके जो बच गया हो। नलिटी, इसको नलिटी बोलेंगे या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर वेरिएबल x1 x y z पहले किया था ना होमोजेनियस वाला में, ये सब का जो फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक, मतलब रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू टोटल। यहाँ पर आंसर हो जाएगा n माइनस वन। और नलिटी अभी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या इसी को नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोल सकता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, या फिर और भी नाम है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, या फिर डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन, डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सॉल्यूशन। सबका मतलब वो n-1 ही होता है। हाँ, और सारा सेम ही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक। जैसे यहाँ पर हम लोग का सब में 3 3 3 कर देंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल n है और रैंक कितना है, रैंक हो जाएगा हम लोग का 1, क्योंकि बाकी सब तो 0 0 हो जाएगा। उसके बाद पहले 13 कर लेते हैं, उसके बाद 11 12 करेंगे। 13 देख लो, इसमें क्या हो जाएगा, एवी मैट्रिक्स रैंक आर, द डायमेंशन सिस्टम एक्स बराबर 0। दो सबसे पहले हो जाता है m into n, टोटल माइनस का रैंक ना। हाँ, तो m और n से कौन सा ले, मिनिमम क्या है? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है, m n में आंसर n-r दिया है। कॉलम का लिया हुआ है, कॉलम टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल एक कॉलम वाला हो जाएगा ना। कैसे? अगर इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होता है x y z इस टाइप से, तो टोटल हम लोग जाएंगे, कितना नंबर ऑफ कॉलम बनेगा टोटल, इधर मान लो इसमें m रो है ना, m रो है और n कॉलम है, तो जितना कॉलम रहेगा उतना नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन कितना बनेगा? हाँ, ए तुम्हारा देखो, ये रो जितना ज़्यादा, रो जितना रहेगा उतना हम लोग को ए वाला लेना पड़ेगा वेरिएबल। अगर ए हमारा m इंटू n है तो ए वाला n इंटू 1 करना पड़ेगा, तब दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना। तो n हम लोग का टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा और n में से रैंक को घटा देंगे तो n-r ही होगा। उसके बाद 11 नंबर। अंडर सिस्टम में जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड, 3 ठो इक्वेशन है। ये बोल रहा है कि हैज नॉन जीरो सोल्यूशन देन ए बी सी आर। एक्स प्लस वाई प्लस एक इसको तो लिखना पड़ेगा 1 1 1। हाँ, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 1 ले लेंगे तो कितना आएगा 3bc माइनस 4bc माइनस 2a ले लेंगे तो ये खत्म और ये c माइनस b आएगा और प्लस a ले लेंगे तो 4c माइनस 3b। ए कितना आ जाएगा माइनस बीसी माइनस बीसी प्लस 2ac माइनस प्लस 2ab ना, प्लस 4ac माइनस 3ab। तो माइनस बीसी थोड़ा आ जाएगा और माइनस 2ac और प्लस 4ac प्लस 2ac ना, प्लस 2ac और माइनस ab इक्वल टू 0। तो 2ac बराबर कितना आ जाएगा 2ac बराबर बीसी ab प्लस बीसी। अब ए बी सी से डिवाइड कर देंगे तो 1/c प्लस 1/a। एचपी में आ गया ना, एचपी मतलब 1/gp होता है। हाँ 1/ap ना, 1/ap। जब अगर एक AP आता तो फिर A प्लस C बराबर क्या आता b/2। AP के लिए 2b बराबर A प्लस C ना। अच्छा हाँ 2b बराबर हाँ भाई। इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन, अरे एक तो यहाँ पर 0 0 0 है ही, तो इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो रैंक होना चाहिए 3 से कम होना चाहिए। ये जो टर्म है इसका रैंक 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम रैंक लाने के लिए ऐसे भी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दो तो 3 से कम आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट कर देंगे। डिटरमिनेंट सर इसको हम सारा एक्सपेंड कर दे तो अच्छा हाँ वही तो कर रहे हैं। उसका एक सॉल्यूशन है a बराबर 1 तो है। डिटरमिनेंट जीरो करने से सिर्फ a बराबर 1 आया और एक आ गया अपना a बराबर 2 और एक आ गया a बराबर -1 और 2 b वाला में तो है और जो 1 और -1 ये भी तो आ रहा है। a और b दोनों आ जा रहा है ना। हाँ देखने दो आंसर कौन दिया है। 12 का आंसर दिया है -2 1 1 a का वैल्यू -2 1 1 यही आया तुम्हारा। -2 कैसे आएगा? तो आएगा अपना 2 -1 और 1 ये अपने मतलब a का वैल्यू इतना आएगा। ओ तब तो इसमें डिफरेंट दिया हुआ है। इसमें तो -2 दिया है। भेजे क्या मतलब रुक जाए इसी पर हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। a अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा a² -1 हाँ a² -1 और उधर में से -1 और a -1 हाँ -1 लेंगे तो कितना आ जाएगा a -1 और +1 लेंगे तो 1 - a तो यहाँ से a -1 कॉमन हम लोग ले सकते हैं। कॉमन लेने में फायदा थोड़ी है, पूरा एक्सपेंड कर ही दीजिए सारा। ऐसे भी जीरो के इक्वल आएगा। कॉमन लेने से मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़ेगा ना। a × a + 1 हो गया और -1 सिर्फ ना -1 आएगा उधर में फिर -1 बस। हाँ तो एक तो a बराबर 1 दिख ही रहा है। हाँ एक तो दिख रहा है। a हो जाएगा a² + a - 2 a² में फिर a में 1 से करेंगे तो + a होगा। ये कैसे ब्रेक होगा? a - 1 तो ये तो ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? + a होगा तो ब्रेक नहीं कर सकते। -a होगा तो ही ब्रेक करेंगे। ये तो + a आ रहा है ना सर। मैंने तो पूरा ही ये करके उसको लैंडिंग मेथड से करवा दिया। a पे 1 पुट कर दिया तो 0 आ रहा है। उसको एक वेरिएबल मान के वो लॉन्ग डिवीजन कर दिया तो आ गया a² - a - 2 और उसको बांट दिया तो उसको बांट ऐसे आ जाएगा a बराबर 2 और a बराबर -1। इसमें a कॉमन लेंगे तो a + 2 और -1 लेंगे तो a + 2 आ तो रहा है। मैंने गलती किया क्या? कहीं कैलकुलेशन में हुआ होगा। ये आ रहा है। अच्छा अरे ये वाला 14 नंबर तो करवाए थे, देख ले 14 नंबर। ये वाला तो करवाए थे क्लास में। आगे वाला नंबर है A is equal to n into 1 matrix. A is n into n matrix such that A square is equal to I or B is n into 1 real vector. Then Ax बराबर B हैच। A का बोला है अपना n into n matrix, A square में I बता दिया है और B n into 1। A तुम्हारा है n into n और B है n into 1। रियल वेक्टर देन Ax बराबर B है। ऐसे तो मतलब इसका अगर कितना होगा तो इसके साथ मतलब ये A into n है तो अपना x को होना पड़ेगा n into 1। तब जाके अपना वो n into 1 आएगा। नहीं तो आएगा कोई चांस ही नहीं बनता है। अच्छा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा ना। अगर हम लोग ax का देखें तो ax आएगा इस टाइप से और b इस टाइप से दिया ही है n into 1। हाँ अभी n into 1 फॉर्मेट नहीं है। x का वैल्यू यूज़ आएगा 1 वैल्यू आ जाएगा। हां x में पूरा वैल्यू जाएगा। हां सर ये वाला आइगन वैल्यू ऑफ ए देखो तो ये वाला समझ में आ रहा है। आइगन वैल्यू ए मतलब इसको तो वेक्टर में वैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। नहीं वो तो हम लोग एक तो कर सकते हैं एक्स में क्या ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ से लैम्डा का 3 वैल्यू आ जाएगा। और तो वैसे तो कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा का गुणनफल होगा, λ1 λ2 λ3। और दूसरा इसका जो डायगोनल का सम होता है मतलब इसका जो ट्रेस होता है वो बराबर होता है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 के। इन दोनों प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 3a कब आएगा, 3 को जोड़ने पर 3a आना चाहिए तो इसमें ये तो सब में आ रहा है ना। अच्छा लेकिन डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा इसका। हाँ डिटर्मिनेंट निकालो तो कितना आ रहा है, करना आएगा अपना ए क्यूब माइनस का ए मतलब अपना ए क्यूब माइनस का 2 बराबर 0 मतलब ए बराबर 0 और ए बराबर 2। कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट ए क्यूब ए बराबर 0 आ जाएगा। नहीं वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में a into a square minus 1 into minus a, a into a square minus 1 minus in the bracket column minus 1 into a, इस टाइप से। तो यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस रूट 2 इंटू ए माइनस रूट 2, ये हो जाएगा ना। तो ये वाला डी आ रहा है। तीनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग का ऐसे मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 3a के बराबर आना चाहिए। नहीं, यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है डिटर्मिनेंट के बराबर आना चाहिए। तो देखो ये लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 2 होगा, लैम्डा 3 होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है डिटर्मिनेंट के बराबर। और इसी तीनों का सम भी आ रहा है 3a, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतना आसान होता है क्या? ये गेट का है, तो गेट का नहीं है। 16 नंबर ऐसा ही आता है, एकदम प्रॉपर्टी बेस्ड इजी इजी क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ये वाला गेट का नहीं है। The आइगन वैल्यू ऑफ ए, इसका आइगन वैल्यू कितना होगा? तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट इसका ए तीनों के सम के बराबर होना चाहिए ना। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ये तीनों में है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट 0 आएगा। नहीं, ऐसे जब दो रो अगर सेम हो तो डिटर्मिनेंट 0 आता है। इसका मतलब कोई एक हो तो इसमें से 0 जरूर होगा ना। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा। तो कोई एक 0 किस ऑप्शन में है? सम 3 होना चाहिए और कोई एक 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखो एक 0 है और सम 3 है, तो ए भी है और ए भी है। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर n टर्म लगातार कंटिन्यू सेम टू सेम हो ना, तो n-1 जो इसका आइगन वैल्यू है वो 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 ठो, तीनों का तीनों सेम है ना, तो 3-1 करो 2 ठो, इसका आइगन वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। दो ठो 0 आएगा, तो आंसर डी होगा। तो नहीं हो रहा है। और इसमें स्टेटमेंट लिखवा देते हैं लोगों। लिख लो, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एन रो आर आइडेंटिकल, if n row are identical, then n-1 eigenvalue will be 0. ये सिर्फ स्क्वायर के लिए बनेगा। हाँ, सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब इसका पूरा डायगोनल पूरा सबका सम। ये सब डालना नहीं चाहिए, मैट्रिक्स का क्वेश्चन कुछ थोड़े है तो एपीजीपी का क्वेश्चन है, सबका सम निकालना है। ये तो 1/n फैक्टोरियल 1/1 × 2 है प्लस 1/2 × 3 है प्लस 1/3 × 4 है 1/n × n+1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 इसको, और इसको लिखेंगे 1/2 - 1/3। प्लस 1/3 - 1/4 1/n - 1/n+1 ऐसे ही होगा ना। तो ये 1 ये सारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 - 1/n+1 बचेगा। तो ये आ जाएगा कितना, n/n+1। ये अच्छा ये वाला आंसर दिया हुआ है। ये सब ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे n बराबर 1 पुट करेंगे तो 1/2 आना चाहिए। हाँ, वो भी है। यहाँ पर हाँ n बराबर 2 पुट करेंगे तो फिर 1/2 प्लस 1/6 आना चाहिए n बराबर 2 पर। 2 पे जांच कर लेंगे उसके बाद मार्क कर देंगे। जितना क्वेश्चन दिया है उसमें हमको लगता है कि 7-8 क्वेश्चन ठीक है, बाकी सब तो मतलब ऐसे ही दिया है, वो तो कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है तो फिर तो ऐसे ही हो गया ना। वो ये सब तो ऐसे ही है, ये सब डिटरमिनेंट कौन हिसाब से लग रहा है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का है। ये फिर देखो ऐसा ही है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, इसका ऑप्शन प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू पूछा है, मतलब 1 × 1/3 × 1/2 मतलब ये तो 1/n फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। ये तुम्हारा कौन सा है, इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे? आइगन वैल्यू तो वही हो जाएगा ना अपना, वो लैम्डा करोगे। आइगन वैल्यू का सम नहीं निकालना है, क्या प्रोडक्ट निकालना है ना, प्रोडक्ट निकालना है। इसको डायरेक्ट हम आइगन वैल्यू बोल सकते हैं 1 और 1/2 को। हाँ। ये सिर्फ तब वैलिड होता है ना जब ये अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर हो या फिर सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स हो, नहीं तो फिर नहीं होता है। हाँ लोअर ट्रायंगुलर है इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं λ1 बराबर 1 λ2 = ½ और λ3। हाँ लेकिन ये अगर यहाँ पर कहीं पर 1 ऐसे देता ना तब हम लोग नहीं निकाल पाते, फिर हम लोग को इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करना है 1 × 1/2 × 1/3 × 1/4 कितना हो जाएगा, 1/n फैक्टोरियल है। ये देखो 20 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड है। प्रॉपर्टी अगर ध्यान में रहेगा तो ये सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये वाला देखो तो ट्राई करो तो थोड़ा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। हो रहा है कुछ सर इसका तो ए माइनस लैम्डा आई, और ऐसे करोगे तब तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। सपोज मैट्रिक्स इतना हैज ए सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर लैम्डा, तो कंजुगेट वो कंजुगेट लगाना पड़ेगा। देखो इसका हैज ए सर्टेन कॉम्प्लेक्स नंबर आइगन वैल्यू आ रहा है, मतलब लैम्डा वन अगर लैम्डा मान ले, which of the following must also be आइगन वैल्यू ऑफ ए। ए को तो लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा टू के बारे में हम लोग को नहीं पता है, लैम्डा थ्री के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर हम लोग इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ना। डिटर्मिनांट कितना आ रहा है इसका, ये देखो एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है, अस्क्यू सिमेट्रिक नहीं है ना, तो फिर एक बार निकाल करके देख लो कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट इसका। डिटर्मिनेंट आएगा 40 इंटू और -1500 प्लस 24 इंटू 12। एक का डिटर्मिनेंट निकालना है। एक का डिटर्मिनेंट निकालना है। हाँ निकालो तो इसका डिटर्मिनेंट, थोड़ा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और एक चीज तो यह समझ में आ रहा है कि तीनों का जो सम होगा 40 और 30, 70 माइनस 50, 20। लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। डिटर्मिनेंट आ रहा है इसका, डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। 0 क्योंकि इसका आंसर लैम्डा माइनस 20 है, लैम्डा माइनस 20 तभी होगा जब 0 आएगा एक तो वैल्यू। देख लो एक बार साइन। में है 40 माइनस का 1500 प्लस 24 इंटू 12। 24 कितना है, 29 सर। क्या 29 नहीं, ये दोनों हम बोल रहे हैं। 24 इंटू 12 भी होगा ना। ओ अच्छा हाँ, वो तो प्लस 3 अच्छा, उसके बाद फिर प्लस 29 इंटू 18, 95, 900 ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 26 इंटू 12 कितना आएगा, 26 इंटू 12, 312। और फिर -11 इंटू 24 इंटू -18। अब तो माइनस में आ रहा है 432। माइनस 9504। माइनस 432। क्योंकि 24 × -18 और माइनस फिर 26 × 30 780। एक आईपैड का भी एग्जाम हुआ था, उसका पता है ये लोग निगेटिव मार्किंग कितना रखा है, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया 0.5। मतलब एकदम उसको गलती से एकदम नफरत है ना। गलती एकदम नहीं देखना चाहता है। ये आ जाएगा 1200 आ रहा है। इसलिए सब में 1212 आ गया, तो 1212 कॉमन ले लेंगे तो -40 और मेरा वाला में तो शायद नहीं आया +29 -11। अच्छा ये प्लस होगा, ये वाला +11 = 1212 × 0 बराबर 0। देखो इसका मतलब कि λ1 λ2 डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, मतलब कि λ1 λ2 λ3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि कोई एक 0 होना चाहिए इन तीनों में से, तो एक तो लैम्डा दिया हुआ है, λ2 को हम 0 कर देते हैं तो λ1 को हम λ ले लेते हैं। हाँ, और λ2 को 0 करते हैं तो ए आ जाएगा λ + 0 + λ3 = 20। तो यहाँ से λ3 कितना आ गया, 20 -λ। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से दिया हुआ है। ये तो 4/4 है, तो 4 हो जाएगा ना। इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं, इसको इस तरह से बांट देंगे 2 पार्ट में, और यहाँ से इसको सॉल्व करें। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर निकालना है ना, तो आइगन वेक्टर और तुम्हारा आइगन वैल्यू जितना आएगा उतना ही आइगन वेक्टर। जैसे 2 - λ 2 और 1 - λ होगा ना। यहाँ से आएगा 2 आइगन वैल्यू, यहाँ से लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, XY मान लो। स्क्वायर मैट्रिक्स से निकालेंगे तो 4 डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन ये तो पता करना पड़ेगा कि चारों डिफरेंट आ रहा है कि कोई कोई कॉमन भी आ रहा है। यहाँ से मान लो XY आ गया, यहाँ से आ गया AB मान लो। तो ऐसे अगर सारा डिफरेंट आएगा तो 4 बोलेंगे, अगर डिफरेंट नहीं आया तो फिर 3 या 2 ऐसे हो सकता है। क्यों इंडिकेट क्या हो रहा है? ऐसे फार्मूला से ब्रेक कर दो, माइनस बी प्लस माइनस डी के स्क्वायर माइनस 4 एसी। चार आ रहा है ना, तो आंसर 4 हो जाएगा। एक 3 4 और 1 प्लस माइनस में आएगा और 0 होगा। ये वाला देखो, हाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू दे दिया है और 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो बोला है कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो अगर देखो सिमेट्रिकल अगर होता ना, तो सिमेट्रिक होने पर हमारा जो आइगन वैल्यू आता है वो रियल आता है हमेशा। हमेशा ये लिखवाया हुआ है स्टेटमेंट। अगर हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर हार्मिशियन है, तो उस केस में हमारा जो आइगन वैल्यू जाता है वो रियल आता है। नोट में हार्मिशियन के नीचे ही शायद लिखा हुआ होगा। ऑलवेज रियल, हाँ, लेकिन यहाँ पर तो कम इमेजिनरी है, तो बी आंसर हो जाएगा। इधर देखो यहाँ पर ऑप्शन होने का चांस एक बी है और एक सी है। तो सी में 2 लैम्डा तब होगा ना जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से तो ये आएगा नहीं। और 1 बाई लैम्डा तब होगा जब इसका इन्वर्स ए होगा। तो इसका इन्वर्स ए है कि नहीं है, ए हम लोग को पता कर लेना पड़ेगा, मतलब इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स में कितना क्वेश्चन? 50 के आसपास है। ए भी इतना मैट्रिक्स हो जो करेक्टरिस्टिक रूट्स आर इतना, मतलब लैम्डा का वैल्यू दे दिया है, तो इसका अगर मॉड भी निकालना है कितना होगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, लैम्डा बी वन इंटू लैम्डा बी टू इंटू लैम्डा बी थ्री। मतलब तीनों अगर आइगन वैल्यू, अगर हम लोग b का आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं तीनों, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। वो तो b मैट्रिक्स का वो डायगोनल हुआ, वही ना। डायगोनल नहीं, डिटर्मिनेंट। कोई मान लो कोई मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट होता है कि लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू के बराबर। हाँ, तो वही तो मेरा डायगोनल। डायगोनल नहीं, वो तो ट्रेस होता है। डायगोनल वो तो सम होता है ना, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू होता है डायगोनल, जिसको ट्रेस बोलते हैं। और जो डिटर्मिनेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो हम लोग को किसी तरह से वो आइगन वैल्यू पता करना होगा बी का। तो बी का आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक आइगन वैल्यू हमको पता है, तो बी का आइगन वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। ए का स्क्वायर मतलब तीन का स्क्वायर माइनस थ्री करके लैम्डा बी वन आएगा ये। अच्छा, तो ऐसे ही निकलता है। अच्छा, ऐसे निकल जाएगा। हाँ, वो लैम्डा का प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लो कि ए का अगर तुम्हारा लैम्डा है आइगन वैल्यू, तो ए स्क्वायर का आएगा लैम्डा स्क्वायर। ए इन्वर्स का आएगा वन बाई लैम्डा। टू ए का आ जाएगा टू टू लैम्डा। इस टाइप से होता है। अगर ए स्क्वायर माइनस ए का करना है तो यह आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। तो इसी तरह से लैम्डा बी टू निकाल लेंगे, तो हमको दो का स्क्वायर माइनस दो करना होगा। और लैम्डा बी थ्री निकालेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन करना होगा। अब इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हम लोग को मॉड बी देगा। तो 12 में 2 से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 24। ये सब ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सारा सही है। ये वाला पूछा ट्रायंगुलर ट्रेस, तो ये तो अपना हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका ट्रेस ऑफ ए की पावर x को 2 बार होता है। ये वाला तुम्हारा क्या है, ओमेगा है ना। हाँ, ये ओमेगा स्क्वायर है। तो वन के पावर कितना हो जाएगा 102। क्या क्या यूनिट रूट ऑफ एंथ रूट ऑफ यूनिटी, ये वाला नहीं पढ़ा है। प्लस माइनस है ना, मतलब -1 प्लस i रूट 3 और एक -1 माइनस i रूट 3। अगर एक में प्लस माइनस हो तो उसको ओमेगा बोलते हैं, अगर दोनों में माइनस हो गया तो उसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। और इसका जो सम होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। ये निकाल लेना है हम लोग को। तो ये तो हो जाएगा 1 और ओमेगा क्यू जो होता है 1 होता है। और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ये कितना लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 3 इंटू 3 से तो ये डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। ओमेगा का पावर 3 इंटू 0 तो नहीं लिखी, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 इंटू 3 कौन सा फाइंड आउट करना पड़ेगा? ये जो 1 की पावर 102 ओमेगा की पावर 102 वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ओमेगा की पावर 102 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा की पावर 3 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 होगा। ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लिखा है या ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। ना ना ना, ये ब्लू के अंदर, ब्लू के अंदर कहाँ पर ये वाला ये फॉर्मूला लिखे ना 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। हाँ एक क्यू है। हाँ ओमेगा क्यूब और 1 तो 102 को 3 से डिवाइड करें कितना आएगा? 34 आएगा। 34 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 के पावर 34 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम डायरेक्ट 1 कर दिए। और साइड में तो ओमेगा स्क्वायर है, उसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 2 इंटू 3 इंटू 34। अच्छा तो इसको कर लेंगे हम लोग ओमेगा के पावर 3 इंटू 3 को अंदर ले लेंगे 2 को बाहर। इज इक्वल टू ए, मतलब ए भी 1 आ जाएगा। तीनों 1 1 1 आ गया। ये वाला देखो तो 26। क्या क्या स्क्यू सिमेट्रिक में से क्या होता है? a बराबर माइनस है। हाँ स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट 0 है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक का रियल होता है, उसका आइगन वैल्यू जो होता है रियल होता है। तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, मतलब कि λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 क्या होगा? 0 होगा। अब इसमें से एक λ2i दिया हुआ है, दूसर का कुछ होगा हम लोग को नहीं पता है, तीसरा तो श्योर 0 ही होगा ना। तो एक तो 0 होना है, तो वही पूछा था कि आउट ऑफ 1 देन 1 ऑफ द रिमेनिंग आइगन वैल्यू, तो 1 0 हो जाएगा। ये सब देख रहे हो ना, गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा इसमें मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स क्या होगा? आइगन वेक्टर दिया हुआ है। इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे एक्स बराबर लैम्डा एक्स, ए एक्स बराबर लैम्डा इंटू एक्स। ए का वैल्यू हम लोग को कुछ इसमें से चूज करना पड़ेगा। हम सी वाला ऑप्शन चूज करते हैं 3 2 1 2। ए इंटू एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर हम लोग का जो आइगन वेक्टर है 1 और -1 है। अब देखना है कि ये लैम्डा एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 - 2 1 और 1 - 2 - 1, तो ए तो सही आ गया। लैम्डा का वैल्यू 1 रखने से सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो और देखो दूसरे का सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर 2 1 रख लेते हैं, तो आ जाएगा 6 - 2 4 और 2 - 2 0 तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कोई दूसरा पेड़ जांच करना पड़ेगा। डी वाला ले लेते हैं। डी वाला देखो तो 2 3 या अपना क्या वैल्यू ठीक आ गया। आंसर लेकिन यही दिया हुआ है, सी दिया हुआ है आंसर। सी दिया हुआ है तो कुछ गलती हो रहा है क्या? 3 2 1 2 और 2 1। और -2 4 और 2 - 2 0 ही तो आ रहा है। बाकी सब तो नहीं आ रहा है। ये तो आना चाहिए था। इसको हम लोग ऐसे अगर सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं ABCD, तो A इंटू एक्स 1 - 1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स आना चाहिए। तो ए क्या हो जाएगा? A - B और C - D। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1 और -1, मतलब कि A - B बराबर 1 और D - C बराबर 1। हाँ, उल्टा कर दिए। ये हम लोग का एक इक्वेशन मिल रहा है। और दूसरा हम लोग करेंगे ABCD इंटू 2 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा कितना है 4 इंटू 2 1, तो 2A + B और इधर हो जाएगा 8 और 1। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 2A + B बराबर 8 और 2C + D बराबर 1। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो B भी कैंसिल हो जाएगा। 3A बराबर 9, तो A बराबर कितना आ जाएगा 3 और A बराबर 3 पुट करेंगे तो B बराबर 2 आ जाएगा। तो ऊपर में 3 और 2 आ रहा है। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कैंसिल तो नहीं हो रहा है, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस ही रहने दो, तब डी और डी कैंसिल हो जाएगा। तो 3c बराबर 0, तो c बराबर 0 आ रहा है ना, देखो तो c बराबर 0 आ रहा है। बराबर तो 1 आया, ओ यहाँ पर 4 होगा, 8 और ए वाला 4 होगा ना। हाँ, मतलब डी बराबर 2 आया और 3 2 1। सी बराबर कितना आ रहा है 1, सी बराबर 1 आया, 3 2 1 2, ये वाला है ऑप्शन, वही तो है सी वाला लास्ट वाला। लेकिन ऐसे भी तो आना चाहिए था, दोनों तो सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग 2 1 सही लिए है ना, 2 1 भी तो है, पता नहीं कैसे डिफरेंट आ रहा है, 0 आ जा रहा है। ओ 2 प्लस 2 होगा ना, 0 कैसे होगा, ये वाला तो ऐड होगा ना, 2 में 1 से करेंगे तो माइनस क्यों किए हम लोग, माइनस थोड़े होगा, 6 इसमें इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 6 और 3 9 होगा, यहाँ पर 6 2 8 हो रहा है ना, 8 होगा यहाँ पर, और नीचे में हो जाएगा 2 और 2 4, 8 और 4 मतलब कि कितना आ गया 2 इंटू 4 इंटू 2 और 1, दोनों को सेटिस्फाई कर गया। ये वाला ए भी सेम दिया हुआ है, ए भी 2 इंटू में सपोज इतना है आइगन वेक्टर, तो आइगन वैल्यू 1 और 2, तो वो नीचे से जांच कर लेंगे, उसको रहने देते हैं। एकदम दिख नहीं रहा है, दिया है लेट ए बी ए 3 इंटू 3 रियल मैट्रिक्स, सपोज 1 and -1 आर 2 ऑफ द 3 आइगन वैल्यू ऑफ ए, 1 और -1 दिया है, λ1 और λ2 का वैल्यू। आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड 18 और 2 ऑफ द आइगन वैल्यू नहीं, यहाँ पर ए और सपोज 1 and -1 आर 2 ऑफ 3 आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड 18 इज 1 ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ इतना, मतलब ए स्क्वायर +3a का आइगन वैल्यू कितना आया है 18 आया है। वो ए स्क्वायर है या फिर ए क्यूब है? नहीं, ए स्क्वायर +3a तो बोल रहा है कि दोनों इन्वर्टिबल होगा नहीं, मतलब कि मॉड ए का वैल्यू कितना होगा ए पूछा है, मतलब जीरो होगा कि नहीं होगा ए पूछा है, और साथ में ए स्क्वायर प्लस 3a का वैल्यू पूछा है कि जीरो होगा कि नहीं होगा। तो देखो तो यहाँ और देखो a के लिए निकालने के लिए a जीरो होगा कि नहीं होगा a हम लोग कैसे पता करेंगे, जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तीनों पता होगा तब तो। लेकिन हम लोग को दो वैल्यू पता है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 पता है, लैम्डा 3 इसका पता है हम लोग को, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए कितना रखने से सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा 3 = 3 रखने सेटिस्फाई करेगा। इसमें अगर ए की जगह पर हम लोग 3 रख दें तो इस 18 को सेटिस्फाई कर जा रहा है, मतलब कि ए का आइगन वैल्यू 103 भी है ना। वो इधर से निकल रहा है। हाँ इधर से नीचे वाला से निकल रहा है। हाँ मतलब ए का जो आइगन वैल्यू है वो है 1 - 1 और 3, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो जीरो नहीं आ रहा है, मतलब कि मॉड ए बराबर नॉट जीरो, मतलब कि ए तो इन्वर्टिबल हो गया। ठीक है, अब ए वाला इन्वर्टिबल है कि नहीं उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो आइगन वैल्यू ऑलरेडी 18 पता है, दो और निकाल लेंगे, एक ए की जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो आएगा 1 + 3, एक 4 इसका आइगन वैल्यू होगा, और एक -1 रखेंगे तो -2 आएगा, -2 तो ये भी जीरो नहीं आ रहा है, मतलब कि दोनों का दोनों इन्वर्टिबल है। जीरो नहीं आने का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं आने का मतलब है कि मॉड ए बराबर नॉट जीरो, क्योंकि ए आइगन वैल्यू है ना, आइगन वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो तुम्हारा डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट हाँ फिर जीरो दे देगा, तो फिर वो नॉन इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है एडजॉइंट ए बटा मॉड ए। अब मॉड ए जीरो हो गया तो फिर 1/0 ए डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ए जो है वो बराबर नॉट जीरो होना चाहिए यहाँ पर, और नॉट जीरो हो रहा है दोनों में, तो दोनों का दोनों क्या है इन्वर्टिबल है। ये वाला है, सपोज ए बी एम इन एन मैट्रिक्स, बी बी एन इन एम मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट वैल्यू अब इतना, ये वाला भी सॉल्व नहीं हो रहा है। इसमें आई प्लस ए बी दिया हुआ है और आई प्लस बी ए इक्वल, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालो समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट तो हो जाएगा, डायरेक्ट तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है 2 × 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ऐसे करके हम लोग ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले उनका निकाल के इधर 1 2 1 1 2 1 1 2 और फिर -1 1 1 1 1 2 1 1 2, ऐसे अगर निकालेंगे तो हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो आ जाएगा दो आ जाएगा मार्जिन फोर माइनस वन थ्री छः माइनस का वन वन माइनस वन फोर्टीन दो माइनस एक